अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रिस्पी चिकन ड्रम स्टिक्स। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, चिकन राने हमें चाहिए 5 अदद। मैंने रान लेके और इसमें ये देखें ये कट लगा लिए हैं इस तरह से। और इसके बाद हमने लेना है एक बॉल, उसमें ये शामिल कर दिए हैं राने। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये देखें नमक। नमक हमारे पास है 1 टीस्पून, ये इसमें जाएगा। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे सिरका। सिरका है हमारे पास 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून डालना है हमने, ये देखें 1 टेबल स्पून सिरका। और 1 टेबल स्पून हमने इसमें डालना है सोया सॉस, 1 टेबल स्पून है ये देखें, ये 1 टेबल स्पून। और साथ ही हमने इसमें डालना है ये लहसुन का पेस्ट। ये घर का बनाया हुआ है मेरा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी चाहिए तो मेरे जो चैनल पे जाके आप सर्च करें, आपको मिल जाएगी बहुत आसानी से। ये हमने डाला है 1 टेबल स्पून। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये देखें अदरक का पेस्ट, ये भी 1 टेबल स्पून है, ये भी मैंने घर में तैयार किया है, ये देखें 1 टेबल स्पून। और इनको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, हाथों की मदद से मिक्स करें ताकि ये जो है इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखें चिकन जो है हमारी मिक्स हो चुकी है। और इसके बाद अभी हम इसको स्टीम करेंगे। अच्छा जी, ये देखें स्टीमर के लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, आपके पास कोई पतीला हो वो ले लें। और इसमें मैंने बिछा दिया, देखें नीचे आपको नजर आ रहा होगा स्टैंड मैंने रखा है। और ये आटा जिससे छानते हैं, छानी जो है ये लोहे की है, ये मैंने रख दी है क्योंकि मेरे पास स्टीमर नहीं है। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर में इसको करेंगे स्टीम, अगर नहीं है तो जिस तरह मैंने ये देखें ये चीजें रखी हैं आप इस तरह से इसको रखना। पहले मैंने स्टैंड रखा है, आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा। उसके बाद मैंने ये जो आटा छानते हैं जिस छानी से वो मैंने रखी है। और इसके बाद अच्छा पानी आपने इतना डालना है कि पानी जो है इस जाली को टच ना हो। ये जो जाली मैंने रखी है आटा छानने वाली इसको टच, तो इसके बाद हम इसमें ये देखें डाल रहे हैं ये चिकन जो हमने ये मैरिनेट की थी, मिक्स की थी जो, ये देखें। और इसमें हम रख देंगे और इसको हम 5 मिनट तक स्टीम देंगे एक साइड से और 5 मिनट तक दूसरी साइड से। तो ये ऊपर से ये देखें ये मैं ढक दूंगी 5 मिनट तक। जब 5 मिनट हो जाएंगे फिर इसको मैं पलट के और दूसरी साइड से इसको स्टीम दूंगी। 5 मिनट हमारे हो चुके हैं, अभी हम इसकी साइड करेंगे चेंज। इसकी साइड चेंज कर रहे हैं ये देखें। और इसको हम मजीद जो है 5 मिनट तक पकाएंगे। ये देखें, और इसको हम दोबारा ढक देंगे 5 मिनट के लिए। तो ये देखें 5 मिनट हमारे हो चुके हैं दूसरी भी साइड से। और अभी मैं इनको निकालूंगी, ये हमने इतने ही पकाने हैं, इससे ज्यादा हमने इसको कुक नहीं करना है क्योंकि फिर रान आपको पता है कि जल्दी से गल जाती है। और इसको हम ठंडा होने रख देंगे थोड़ी देर तक। ये देखें जो रान हमने स्टीम की थी ये ठंडी हो चुकी है। इसके बाद अभी इसकी कोटिंग की बारी है, तो कोटिंग के लिए हमें चाहिए होगा ये देखें 1 कप जो हमारे पास मैदा, 1 प्याली ये हम इसमें डालेंगे। इसके बाद हमारे पास ये देखें कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर हमारे पास है 3 टेबल स्पून, तो ये इसमें डालूंगी मैं। और इसके बाद हमने इसमें डालना है ये देखें सोडा, मीठा सोडा जो होता है वो इसमें डालेंगे, ये 1/2 टीस्पून से भी कम है यानी कि 2 चुटकी है हमारे पास, ये हम इसमें डालेंगे।
और इसके बाद हमारे पास है ये देखें नमक, नमक हमें चाहिए 1 टीस्पून, और ये देखें काली मिर्च हमें चाहिए 1/2 टेबल स्पून, और लाल मिर्च जो हमें चाहिए ये भी 1/2 टेबल स्पून, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और इसके बाद ये देखें 2 अदद हमारे पास है अंडे, ये भी हम इनमें डाल देंगे। ये देखें ये 2 अदद अंडे है हमारे पास, और इनको जो है हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी इसका हमने एक घोल सा तैयार करना है, बैटर सा बनाना है पतला पतला, और इसमें हम पानी भी शामिल करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। ये देखिए इस तरह से हमने इसका जो है एक बैटर तैयार करना है, ज्यादा पतला भी ना हो और ज्यादा जो है थिक भी ना हो। देखिए इस तरह से इसको रखना है, ये देखिए ज्यादा पतला भी ना हो और ज्यादा थिक भी ना हो। तो पतला इसलिए ना हो, ये जो हमने चिकन स्टीम किया ये भी अपना थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ेगा, तो इस वजह से हमने जो है ये थोड़ा एहतियात करनी है कि इसको हमने थोड़ा सा ये जो है इस तरह से बनाना है। और इसके बाद हमने क्या करना है, हमने लेना है ये कॉर्नफ्लेक्स, और ये हमारे पास है ये देखें ब्रेड क्रम्स, तो इन दोनों चीजों को हम करेंगे मिक्स। ये देखें और ये देखें कॉर्नफ्लेक्स है, इसको मैं थोड़े से इस तरह से ये देखें इस तरह से पीस के और इसमें डाल रही हूँ। ये देखें, ये देखें जो हमने चिकन स्टीम की थी जो रान हमने, तो इसमें डिप करेंगे हम। ये देखें इसमें हमने अच्छी तरह से कोट करना है इसको, ये देखें हमने इसमें कोट कर लिए, अभी हम इसको कोट करेंगे ये देखें ये ब्रेड क्रम्स में। ये देखें और इसको जो है हमने फिर साइड में रख देना है। ये देखें ये कोटिंग हो चुकी है, अभी हम इसको रखेंगे साइड में और इसी तरह हम सारे कर लेंगे। ये देखें सारे मैंने जो है ये देखें कोट कर लिए हैं, और अभी हम इनको करेंगे फ्राई। ये देखें फ्राई करने के लिए मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है, कढ़ाई में एक में डाल दिए मैंने। कुकिंग ऑयल जो हमारा गर्म हो चुका है, अभी हम इसमें एक एक करके ये जो हमारी ड्रम स्टिक्स है ये हम फ्राई करेंगे। और इनको हमने लो फ्लेम पे जो है फ्राई करना है, फ्लेम हमने हाई नहीं करना है क्योंकि इसकी जो कोटिंग है ये जल जाएगी। वैसे चिकन जो है हमारा जो है ये पहले गल चुका था, लेकिन जो है कोटिंग जल जाएगी तो ये बुरी लगेगी, इस वजह से हमने लो फ्लेम पे इसको पकाना है। 5 मिनट तकरीबन एक साइड से लगेंगे और 5 मिनट जो है दूसरी साइड से लगेंगे। ये देखें 5 मिनट जो है हमारे हो चुके हैं, अभी हम इनको करेंगे दूसरी साइड से इसको हम तलेंगे अभी। ये देखें ये इसकी साइड देखें हम चेंज कर रहे हैं, और देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। इससे ज्यादा हमने इसको कलर नहीं देना है, हमने बस इतना ही कलर इसको देना है। ये देखें ये देखें हमारी ये जो ड्रम स्टिक फ्राई हो चुके हैं, अभी हम इनको ये देखें निकाल रहे हैं। तो ये देखें तैयार है हमारे बहुत ही मजे के बहुत ही क्रिस्पी चिकन ड्रम स्टिक्स। तो ये देखें इसके साथ मैंने सॉस बनाई है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह बनाना है, और ये देखें कितने ये देखें क्रिस्पी कितने हैं, ये देखें गर्म भी है और ये देखें क्रिस्पी भी है। ये देखें और मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको ये एक बाइट, ये देखें ये देखें बहुत ही ये जो है अंदर से ये देखें गल चुका है ये देखें, और ये बहुत ही मजे के हैं बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो आप इसको घर में जरूर ट्राई करना।
अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करना, इसे शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।